अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं। आज हम बात करेंगे इनके बारे में, कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं। पंजाब में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉब्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ जो भी अवेलेबल है आई हुई है, तो सबसे पहले आपने हमारे चैनल पाकिज 9 को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आप तक हर तरह की अपडेट जो है वो आसानी पहुंच सके। यहाँ पर मैंने इनका ऐड जो है वो ओपन किया हुआ है, वो आज देखते हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं और किस क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए और कौन सा इसका स्केल है। तो यहाँ पर देखिए अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की है कुछ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टेनोग्राफर की है, 15वें स्केल की है और एक पोस्ट है और इंटरमीडिएट इसके लिए चाहिए। दूसरी है टेलीफोन सुपरवाइजर है, 11वां स्केल है इसका और एक सीट है इसकी और मैट्रिक पे आई है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखें जूनियर टेक्नीशियन की है, 9वां स्केल है, 7 सीटें और एफएससी पे आई है भी। और इससे आगे जूनियर टेक्नीशियन की है, 9वां स्केल है, 5 सीटें और इसके लिए भी तलीम एफएससी है। और आगे है जूनियर टेक्नीशियन की, 9वां स्केल है, 2 सीटें और ये भी एफएससी में। तो यहाँ से सीरियल नंबर 3 से लेकर सीरियल नंबर 15 तक जो है ये जूनियर टेक्नीशियन की जो सीट्स हैं इनके लिए एफएससी चाहिए और इनके रेलेवेंट जो है डिप्लोमा होना जो है वो लाजमी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो सीट्स हैं इनकी वो भी डिटेल जो है वो आगे लिखी हुई है कि किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है जूनियर टेक्नीशियन की जो है सीट्स हैं। इससे आगे है फोटोग्राफर की है, 8वां स्केल है और एफ ए पे है ये भी। आगे टेलीफोन ऑपरेटर है, 11वां स्केल है इसका और 2 सीट्स हैं और मैट्रिक पे हैं ये। आगे है बॉयलर ऑपरेटर टेक्नीशियन, इसका 5वां स्केल है और 1 सीट है और ये भी एफ ए पे है। आगे रिसेप्शनिस्ट की है, 5वां स्केल है, 1 सीट है और ये भी मैट्रिक पे है। आगे ड्राइवर है, 5वां स्केल है इसका भी और ये मिडिल पे है। इसमें लाइसेंस का होना भी जो है वो ज़रूरी है, वो भी यहाँ पर लिखा गया है, LTV ड्राइविंग लाइसेंस। और इससे आगे है एसी मैकेनिक, 5वां स्केल है इसका भी और 2 सीट है, ये भी मैट्रिक पे है। इससे आगे प्लम्बर है, इसका 5वां स्केल है और 1 सीट है और ये भी मैट्रिक पे है। इससे आगे देखते हैं कि इनका इंटरव्यू और इसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। आपने एक सादा एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने ये यहाँ पर जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पर भेज देना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6/2/2023 तक है। और आपने बाई एंड इसको जमा नहीं करवाना और डाक या कोरियर सर्विस के जरिए ही इसको भेजना है। तो यहाँ पर देखें लास्ट पे जो है यहाँ पर कुछ डेट्स मेंशन की गई है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 जो है उसका जो इंटरव्यू टेस्ट होगा वो 10/3/2023 को होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू और टेस्ट की जो डेट है वो यहाँ पर लिख दी गई है। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसका सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ पर देखकर जिस डेट को टेस्ट है आपने उसी दिन जो है टेस्ट देने के लिए जाना है। इसके इनकी तरफ से कोई भी कॉल लेटर या एसएमएस वगैरह नहीं आएगा। आपने यहाँ पर जो डेट्स मेंशन की गई हैं इन्हीं डेट को जो है इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो ये थी सीट जो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो है वो सीट्स आई हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स आई हुई हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख के मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि कितनी सीट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। तो यहाँ पर अटक में देखें 475 सीट्स हैं, बहावल नगर में हैं 256 सीट्स हैं, बहावलपुर की हैं 254 सीट्स हैं, बखर की हैं 245 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जिन डिस्ट्रिक्ट की सीट्स आई हुई हैं उनको मेंशन किया गया है। तो आप इनके भी ऐड देखकर आप इन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, जो भी आपको नज़दीक है वो वहाँ पर आप अप्लाई कर लेंगे। तो ये थी आज की मज़ेदार वीडियो जो आपको आपके साथ शेयर की मैंने। तो लास्ट पर फिर यही कहूँगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हर तरह की जो अपडेट है वो आसानी पहुँच सके।
ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।